मोकामा विधानसभा सीट के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी की प्रत्याशी है। नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करने और लोगों से वोट मांगने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मोकामा पहुंचे थे। जब मीडिया ने इसे लेकर सवाल किया तब वे पत्रकारों के सवालों से बचते दिखे। इस दौरान उनकी काफ़ी फजीहत हुई। मीडिया ने जब पूछा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने स्वाभिमान और सम्मान गिरवी रखकर वोट मांगने की बात कही थी, इस बार नीलम देवी के पक्ष में कैसे वोट मांगने आ गए हैं, पहले देखिए इस वीडियो को किस तरह वो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। चुनाव में आपने स्वाभिमान और सम्मान गिरवी रख के वोट मांगने की बात की थी, इस बार कैसे वोट मांगने के लिए आए? जैसा कि आपने सुना, मीडिया के इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महिला उम्मीदवार है इसलिए आए हैं, वे आनंद सिंह के समर्थन में नहीं आए हैं। मीडिया ने फिर सवाल पूछा कि लोगों का आरोप है कि आप ही के वजह से मोकामा विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, तब ललन सिंह बोले कि हमारी वजह से काहे के लिए होगा। फिर जब उनसे पूछा गया कि नीलम देवी का आरोप था कि आप ही उन्हें फंसाए, तो इस सवाल का जवाब दिए बगैर ललन सिंह वहाँ से रवाना हो गए। बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को कभी चुनाव हराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह आए थे, आज उन्हें जिताने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह भी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ललन सिंह ने क्या कुछ कहा था, पहले आप वो भी सुन लीजिए एक बार। किया था, आज हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, विनती करने आए हैं कि आपके मान सम्मान को जिसने लालू यादव के जाके चरणों में गिरवी रख दिया है उसको जवाब दीजिए और उसका जमानत मोकामा से जब्त करिए। आप किसी का मान सम्मान देते हैं और आपके मान सम्मान को अगर कोई गिरवी रख देगा, आपके मान सम्मान को किसी के चरणों पर, लालू यादव जैसे व्यक्ति के और तेजस्वी जैसे व्यक्ति के चरण पर अगर रख देगा आपके मान सम्मान को, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए, आप ही बोलिए। अगर आपके मान सम्मान को, आपके स्वाभिमान को अगर कोई आदमी लालू यादव के और तेजस्वी यादव के चरणों में समर्पित कर देगा, उसको क्या जवाब मिलना चाहिए? हम आप जानना चाहते हैं। करारा जवाब मिलेगा सर। तो करारा जवाब अगर मिलना है तो उस व्यक्ति को डुमरा से जमानत तक करा के एक वोट डुमरा में आपने 2015 में लिया था, एक वोट उसी को नहीं मिला था, वही संकल्प इस बार लीजिए। अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अगर हम आपके प्रतिनिधि, हम आपके सांसद, अगर हम अपना मान सम्मान किसी को कहीं गिरवी रख देंगे, हमको वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? नहीं। अरे दीजिएगा? नहीं। दीजिएगा तो आज ही वही समय है आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को उसने लालू यादव के हाथ में गिरवी रख दिया। लालटेन युग को भी वापस लाना चाहते हैं। लालटेन युग को देखे हैं आप लोग? लालटेन युग को आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? देखा जाए तो ललन सिंह सवालों से बचते दिखे और उनके काफी फजीहत हुई। अब देखना होगा कि ललन सिंह दोबारा मोकामा पहुंचते हैं या नहीं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे DNA न्यूज। मैं श्रीकांत भारती। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।